जमुई जिले के सिमुलतला थाना क्षेत्र अंतर्गत नारगंजो जंगल में बीते दिनों हुए मोटरसाइकिल लूटकांड का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने आधा दर्जन लुटेरा को गिरफ्तार किया है, साथ ही लूटी गई मोटरसाइकिल को बरामद किया है। गिरफ्तार लुटेरा के पास से मोबाइल फोन, हथियार, जिंदा कारतूस सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार लुटेरों की पहचान बरहट थाना क्षेत्र निवासी मोनू कुमार और चंदन कुमार और लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र निवासी सौरभ कुमार और अन्य के रूप में की गई है। उक्त जानकारी बरहट थाना में प्रेस वार्ता के दौरान जमुई एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार ने दी है। हेलो, क्या मामला है, किस तरह का ये उद्भेदन हुआ है, बाइक लिफ्टर गिरोह है, लूटपाट का क्या मामला है इसमें? दो दिन पूर्व यानी 21 तारीख को संध्या 5 बजे नरपतो जो है हमारा सुरतला थाना क्षेत्र अंतर्गत उस जंगल के आसपास एक बाइक लूट और मोबाइल लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें एक राहगीर से 1500 रुपये लूटा गया, उनका बाइक छीना गया हथियार के बल पे और उनके साथ बदसलूकी भी की गई। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया और हम लोग उसका अनुसंधान करना शुरू किया और तकनीकी अनुसंधान से यह ज्ञात हुआ कि उसका तार जो है बरहट थाना क्षेत्र और लक्ष्मी थाना क्षेत्र के अपराध गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। और उसी में हम लोगों ने जब और तकनीकी अनुसंधान विषय किया तो जानकारी हुआ कि जो लूट में मोबाइल लूटा गया था उसका इस्तेमाल हो रहा है और हम लोगों ने एक टीम का गठन करते हुए और जिसमें DIU टीम, बरहट थाना प्रभारी तथा सिमुलतला थाना प्रभारी सभी लोग ने उस अपराधकर्मी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया। इसी क्रम में अपराधकर्मी जो है पुलिस को देखकर वहां से भागने की कोशिश की, उनको खदेड़ कर पकड़ा गया और उसके बाद उनके पास से जो लूटी हुई मोटरसाइकिल थी वो बरामद हुआ है, लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद हुआ है और उसके साथ साथ उनके पास जो मोबाइल है और अन्य भी बरामद हुआ, जिसके बारे में हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। पकड़े गए अपराधियों ने अपना अपराध स्वीकार किया है और आगे हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। सबका एज ग्रुप एक बताया जा रहा है लग रहा है, और क्या मतलब ये नया गैंग निकल रहा है? ये बिल्कुल नया गैंग मशरूम कर रहे हैं, इन लोगों ने खुद ही स्वीकार किया है कि अब इनका कथानुसार कि ये लोग कुछ नशा का सेवन इन्होंने जैसा बता रहे हैं गांजा इन्होंने पिया था और गांजा पीने के बाद इन्होंने ऐसा कृत्य को अंजाम दिया है। घूमने के लिए वो देवघर जा रहे थे, रास्ते में इनके किसी एक साथी ने जिसके पास हथियार था मोनू कुमार, उन्होंने इन लोगों को बहकाया और उसके बाद सबके कहने पे इन लोगों ने इस तरह से घटना को अंजाम दिया है। तो क्या शौकिया ये लोग की आदतन है, इससे पहले भी आपराधिक पूर्व का इनका कोई आपराधिक इतिहास तो अभी संज्ञान में नहीं आया है, हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। इनके कथानुसार पहली बार इन्होंने ये घटना किया है। सर, हथियार भी बरामद हुआ है? जी, हथियार हुआ। किसके पास है? मोनू कुमार। इस मुख्य गैंग का सर मुख्य सरगना मोनू कुमार है, कह सकते हैं इसमें सबसे बड़ा वही है और हथियार वही कैरी कर रहा था और वैसे तो सबको जानकारी थी, सभी बात मान रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, सर ऐसा अपने दोस्त को स्वीकार भी कर रहे हैं। मोनू कुमार का सर कोई पहले से आपराधिक घटना है, उसका भी कहना है कि वो प्रथम। जमुई से अंजुम आलम की रिपोर्ट।